स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। आज हम लेके हैं दाल तड़का बनाने की रेसिपी। चलिए बिना मसाला का चना दाल का तड़का बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी। चना दाल को हमने यहाँ 4 घंटा पहले पानी में भिगो कर छोड़ दिए थे, तो अच्छे से चना दाल फूल गया है। अब चना दाल को हम कुकर में रख देंगे और इसे 4-5 सीटी लगा करके ले लेंगे, जिससे चना दाल जो है अच्छा से फट जाए और खाने में बढ़िया लगे। तो अब जो कटोरा से हम चना दाल लिए थे वही कटोरा से भर के हम पानी डाल दिए, फिर यहाँ पे हल्दी आधा छोटा चम्मच डाल दिए हैं। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस जला करके कुकर को रख देंगे और 4-5 सीटी लगा करके ले लेंगे। तो यहाँ पे सीटी लग गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब तड़का देने के लिए आधी छोटी चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज, हरी धनिया, टमाटर, लहसुन, तेजपत्ता और लाल सूखी मिर्च। अब गैस जला करके कढ़ाई रख देंगे और उसमें तेल रख देंगे। तेल गर्म हो जाए तो जीरा रखेंगे, तेजपत्ता, लाल सूखी मिर्च, लहसुन, इन सबको अच्छा से भूनेंगे। फिर कटी हुई प्याज को भी हम डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे, फिर हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो तड़का में कड़ी पत्ता देने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। और फिर यहाँ पे हम एक टमाटर काट करके ले लिए थे, तो प्याज टमाटर अच्छे से भून जाए तो इसमें हम तीखा अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा सब्जी मसाला हम डाले हैं, एकदम थोड़ा सा डाले हैं। अब यहाँ पे हम चना दाल को देख लेते हैं, चना दाल जो है हमारा अच्छा से पका है कि नहीं। तो देखिए चना दाल जो है हमारा बहुत ही अच्छा से पक गया है और एकदम चना दाल फट गया है, तो ये खाने में तड़का अच्छा लगेगा। अब इसी पे हम क्या करेंगे, चना दाल को पलट लेंगे कढ़ाई के अंदर और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। अब यहाँ पे हम नमक स्वाद के अनुसार देंगे। आप इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, जिससे तड़का का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो आप इसमें गरम मसाला डाल दीजिए। अब यहाँ पे तड़का में उबाल आ गया है, तो एक उबाल आएगा तो बस हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे तड़का जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें हम अलग से पानी नहीं डाले हैं, यानी कच्चा पानी हम नहीं डाले। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें गुनगुना पानी करके डाल दीजिए, तड़का जो है अच्छा लगेगा खाने में। तो हमारा तड़का बनकर रेडी हो गया। आप इस तड़का के साथ पूरी, पराठा, चावल जो भी आप खाना चाहते हैं खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।